नमस्कार, स्वागत है आपको YouTube चैनल फिनोइज पे। आज हम लोग ऐसे एक स्टॉक के बारे में बात करने वाले जहाँ पे जो है प्राइस देख सकते हैं बहुत ही कम अमाउंट का स्टॉक है, बट इसमें जो अभी ग्राफ पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है इससे लगता है कि ये स्टॉक जो है बहुत ही जल्दी करीबन 4 से 5 रुपये हम लोग को एक स्टॉक में मुनाफा दे सकता है। तो आगे इस स्टॉक में बात करेंगे दोस्तों, ये स्टॉक में क्या खरीदारी करके चलना चाहिए, हम लोगों को कितना दिन तक ये मुनाफा हम लोगों को मिल सकता है और ये कंपनी के बारे में भी थोड़ा हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि एक दिन पहले हम लोगों ने जो वीडियो दिया था रिलायंस इंडस्ट्री का, उसमें भी देख सकते हैं कि जो है आज के डेट में अच्छा खासा एक ट्रेडिंग मूवमेंट रिलायंस इंडस्ट्री में बनता हुआ दिख रहा है। आज के डेट में शेयर मार्केट में देखेंगे बहुत सारा स्टॉक जो है टूटा हुआ है, बट रिलायंस इंडस्ट्री में जो है अभी भी 2000 के ऊपर जो है प्राइस अप हो गया है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बताना चाहेंगे अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम लोग जो है हमेशा मुनाफे वाले स्टॉक के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जो कि बिल्कुल फ्री है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों आज हम लोग जो स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है टीटागढ़ वैगन्स। टीटागढ़ वैगन्स के बारे में बात करने का रीज़न ये है कि इसमें जो है अच्छा खासा एक तेज़ी दिखने को मिल रहा है आज, और नॉर्मली आपको ये स्टॉक के बारे में उतना इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा क्योंकि इतना ये मीडिया पर आता भी नहीं है। और आज के डेट में हम लोगों ने इसका सिलेक्शन इसलिए किया जैसे कि आपको बताया कि इसमें अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिल रहा है और इसके चलते हम लोग जो है इसमें एक टारगेट प्राइस ढूंढ सकते हैं जो कि हम लोगों को शॉर्ट टर्म में जो है ये मिल सकता है, टारगेट प्राइस हिट हो सकता है। और टीटागढ़ के बारे में, टीटागढ़ वैगन्स के बारे में, कंपनी के बारे में अगर आपको पता नहीं दोस्तों तो बताना चाहेंगे कि टीटागढ़ वैगन्स जो इज़ ए रेलवे मैन्युफैक्चरर बेस्ड आउट टीटागढ़ वेस्ट बंगाल। तो ये वेस्ट बंगाल टीटागढ़ करके जो जगह है वहाँ का बेस्ड आउट एक कंपनी है जो रेलवे का जो प्रोडक्ट्स है वो मैन्युफैक्चर करता है। अभी रेलवे के प्रोडक्ट्स में क्या आता है, रेलवे के प्रोडक्ट्स में दोस्तों कोचेस आता है इंडियन रेलवेज़ का, बेली ब्रिजेस आता है, बेली ब्रिजेस भी है, एंड माइनिंग इक्विपमेंट में भी इन लोगों का बिजनेस है। तो टीटागढ़ कंपनी में अगर हम लोग देखते हैं अभी यहाँ पे देख सकते हैं करीबन जो है आज के डेट का जो हम लोग स्टॉक यहाँ पे लगाया 2.71% का जो है अभी तक इसने रिटर्न दे चुका है और लो प्राइस बनाया 40.05 पैसे का एंड हाई प्राइस दिया है 42.55 पैसे का और अभी जो है ट्रेडिंग कर रहा है 41.65 रुपये में। तो टीटागढ़ में जो है अभी खरीदारी करके चलना चाहिए क्योंकि इसमें जैसा ट्रेडिंग पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है हो सकता है कि बहुत ही जल्दी हम लोग को इसमें रिटर्न अच्छा खासा मिल जाएगा। 1998 में टीटागढ़ का जो है फाउंडेशन हुआ था और इंडस्ट्री में बताना चाहेंगे कि रेलवे शिप बिल्डिंग माइनिंग में जो है इसका इंडस्ट्री है। और प्रोडक्ट्स में जैसे कि आपको बताया थोड़ा टाइम पहले रेलवे का जो है कोचिंग वगैरह बनाता है, माइनिंग इक्विपमेंट बनाते हैं। तो टीटागढ़ में अभी आ सकता है और जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट जो है रेलवे को प्राइवेट करने के लिए सोच रहा है, उसके चलते इन लोगों को ऑर्डर भी अच्छा खासा मिल सकता है। तो अभी यहाँ पे देखते हैं तो करीबन 2015 में टीटागढ़ ने जो है एक्वायर किया था 90% स्टेक इटालियन रेल इक्विपमेंट फर्म फ्रीमेया ट्रांसपोर्टरी। तो उसमें जो है 2015 में 90% स्टेक टीटागढ़ ने एक्वायर किया था। तो टीटागढ़ कंटिन्यूअसली जो है टीटागढ़ वैगन जो कंपनी कंटिन्यूअसली ये लोग ट्राई करते हैं कि अपने बिजनेस को आगे बढ़ाए और ये बिजनेस के बारे में ये लोग हमेशा जो है अच्छा आप देखेंगे तो मतलब इन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट भी अच्छा खासा मिलता है। 2019 में बात करेंगे तो टीटागढ़ फ्रीमा वॉज अवॉर्डेड द कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई 102 एलुमिनियम बॉडीड मेट्रो रेल कोचेस फॉर द पुणे मेट्रो बाई महामेट्रो। तो टीटागढ़ का जैसे कि 2019 में भी अच्छा खासा इन लोगों को एक प्रोजेक्ट मिला था 102 एलुमिनियम बॉडीड मेट्रो रेलवे कोचेस का पुणे मेट्रो में। तो टीटागढ़ में देखेंगे तो इन लोगों का जो बिजनेस है अच्छा है एंड अभी हम लोग देखते तो यहाँ पे SIP में थोड़ा रिटर्न यहाँ पे देख सकते हैं जो है लॉस में दिख रहा है। इन लोगों का बिजनेस अच्छा है और इन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अच्छा खासा मिल जाता है और अभी इन लोगों को जो है जैसे कि रेलवे प्राइवेटेशन में अगर जाएगा तो इन लोगों को हो सकता है कि और भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट मिलना शुरू हो जाए। तो टीटागढ़ में जो है खरीदने का राय रहेगा दोस्तों, बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है क्योंकि हम लोग हमेशा बोलते हैं कभी भी आप कुछ भी स्टॉक खरीदते हैं तो उसमें जो है आपको कंपनी के बारे में, वो स्टॉक की कंपनी के बारे में आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन, अच्छा नॉलेज होना चाहिए और हमेशा वो स्टॉक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन रखना चाहिए कि वो कंपनी में क्या हो रहा है और मैनेजमेंट में कुछ चेंजेस हुआ कि नहीं। प्रमोटर शेयर होल्डिंग का बात करते तो 45.7% जो है स्टेक प्रमोटर्स के पास है। ये यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही कम है, ये कुछ बड़ा कंपनी नहीं है। आप यहाँ से तो करीबन मतलब ये तो नहीं बोल सकते कि ये स्टॉक जो है बहुत ही जल्दी 200 या 200 तक पहुँच जाएगा, बट हाँ अगर हम लोग इस ये स्टॉक में अभी इन्वेस्ट करते तो हो सकता है हम लोग को करीबन 46 रुपीज़ से लेकर 47 रुपीज़ तक
रुपीज तक आराम से मिल जाए। इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि हम लोग आपको बता रहे हैं कि ये स्टॉक आपको लेना चाहिए, ये सिर्फ हम लोग का ओवरव्यू है। स्टॉक को देख के, स्टॉक का ग्राफ देख के और कंपनी के इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद जो ओवरव्यू आ रहा है वो हम लोगों ने देने की कोशिश किया इस वीडियो में। रिक्वेस्ट करेंगे अगर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दिया वीडियो में अच्छा लगा और अगर आप ये स्टॉक में इंटरेस्टेड है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको वीडियो में दिया हुआ इन्फॉर्मेशन अच्छा नहीं लगा दोस्तों, कोई बात नहीं, वीडियो को जो है आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना।